सो गाइस आते हैं हमारे नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको आज दिखाऊंगा शुगर इंडस्ट्री में जो केन कैरियर होती है, जो गन्ने को कैरी करके मिल के अंदर ले जाती है, उस केन कैरियर को, उसकी चेन को बनाने में वर्कर्स क्या क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे असेंबल करते हैं, वो सब मैं दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर जो है उस कैरियर के लिंक खुले हुए रखे हैं, ये छांट छांट के रखे गए हैं और ये सारे सही हैं, इनको जो है रिपेयर किया जाएगा, दोबारा असेंबल किया जाएगा। इधर ये देखिए काफ़ी सामान है, स्लेट्स हैं, ये हमारी नई स्लेट्स आई हैं, कुछ स्लेट्स हमारी डैमेज हो गई थी तो ये नई स्लेट्स हैं, बाकी सामान उधर है। देखिए वर्क मैं ले चलता हूँ आपको जहाँ वर्कर हमारे असेंबल कर रहे हैं। आज बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है। ये देखिए हमारे वर्कर हैं, ये हमारे वर्कर हैं जो यहाँ पर चेन असेंबली कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से, यहाँ पे ये लिंक जो है छांट छांट के साफ करके रख रहे हैं। बड़ा प्रोसेस से काम हो रहा है, एक सीक्वेंस में काम हो रहा है। यहाँ पर लिंक की छटाई हो रही है और यहाँ पर जो है लिंक के जो व्हील हैं, चेन के व्हील हैं, वो साफ़ किए जा रहे हैं। ये देखिए रेत में घिस घिस के साफ़ होते हैं, चिकना किया जा रहा है। यहाँ पे इन पर ऑयल लगाया जा रहा है ताकि ये ईजिली जो है इनके ऊपर पानी में जंग न लगे। ये हमारे बुश निकाल के रखे गए हैं, ये सारे बुश हैं, ये सारे बुश हैं, इनको जो है मिक्सर मशीन में जो है, इधर मिक्सर मशीन हमारी ये रखी हुई है, इसमें रेत डाल करके जो है इसको साफ़ किया गया है। ये देखिए एकदम चिकना किया गया है। आगे चलते हैं, ये भाई साहब हमारे बुश को और लिंक को जो है असेंबल कर रहे हैं। ये इन्होंने व्हील लगा दिया, दूसरे सेक्शन में। यहाँ पर जो है असेंबल लिंक को जो है एक चेन में असेंबल किया जा रहा है, ताकि एक चेन, छह पेयर की चेन बना रहे हैं, फिर बाद में इस पूरी चेन को एक साथ असेंबल करके केन कैरियर पर लगाएंगे। ये पिन में भी ग्रीस लगा करके, ये हमारी छह पेयर की एक लेंथ तैयार हो गई। अब ये जाएंगी दूसरे सेक्शन में, जहाँ पर ये भाई साहब जो है इसमें स्प्लिट पिन लगा करके और बोल्ट को, नट को टाइट कर देंगे और चेक करते हैं कि सारा प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा, सारे व्हील घूमने चाहिए और सारी लिंक जो है कहीं से भी टाइट नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। ये देखिए चला के देख रहे हैं, जहाँ से इनको लगता है कि थोड़ी टाइट हो रही है तो वहाँ पर ये हैमर मार के इसको लूज कर दो। अब ये लेंथ हमारी हो गई है तैयार, तो अब इसको ये आगे शिफ्ट कर देंगे। अब ये नेक्स्ट रखी है, इसमें स्प्लिट पिन लगा करके नट टाइट करके इसको फिर रेडी करेंगे। एक सिस्टमेटिक ढंग से काम हो रहा है यहाँ पर, एक तरफ से शुरू होता है, दूसरी तरफ से एंड। तो हम अपने वीडियो को भी यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं अगले वीडियो पर।